हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैप्पी जीरो बाय रेशमा गिरी। सो गाइस, आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट डिटेल देने वाली हूँ। व्हाट प्रोजेक्ट वी आर गोना स्टार्ट। सो गाइस, ये वाला जो प्रोजेक्ट है इट इज इन विरार वेस्ट एंड इट इज अ ब्लूपल बिल्डिंग एंड ये एक 3 BHK का जोड़ी फ्लैट प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ, सो दैट इन डिटेल आपको भी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पता चले। सो यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अभी मैं आपको जो है वेकेंट रूम का टूर देने वाली हूँ और उसको हमने किस तरीके से प्लान आउट किया हुआ है कि हाउ वी आर गोना मेक इट एंड 3D। सो ऑब्वियसली फिलहाल अभी मैं आपको जो है वेकेंट फ्लैट का टूर दे देती हूँ और हमारे क्या कॉन्सेप्ट है वो आपको समझा देती हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग मैं क्रिएट करने वाली हूँ उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर उसका 2D एनिमेशन जो है वो एक्सप्लेन करूँगी विद द 3D एंड शायद डिमोलिशन भी तक हो जाए। सो आप पहले ही देख लो कि डेट दिख कैसा रहा है। एंड दैट इज़ अ रीज़न कि मैं आज आप लोग को यहाँ पर लेके आई हूँ, सो दैट आप भी एक एम्प्टी फ्लैट कैसा होता है एंड हाउ वी प्लान एंड हाउ वी एग्जीक्यूट दैट थिंग ऑन अ 3D डिज़ाइनिंग, सो वो आपके लिए भी एक क्लियर इमेज रहेगा कि किस तरीके से प्रोसेस जाता है। सो फिलहाल अभी के लिए मैं आपको टूर दे देती हूँ और आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ कि हाउ वी हैव प्लान, हाउ वी आर गोना डू इट। टिल दैट टाइम यू कैन सी ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके यहाँ से बहुत ही प्यारा सा जिरदानी सा व्यू है। सो गाइज़, अगर आप लोग भी जिरदानी फ़ैन हो सो लेट्स स्टार्ट विद द एंट्रेंस गाइज। ऐसे जैसे मैंने आपको भी बताया स्टार्ट में ही कि यहाँ पे बिल्डर ने ऑलरेडी जोड़ी फ्लैट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था एंड दैट इज़ अ रीज़न यहाँ पे मतलब लोगों को किसी को डोर अगर पैक करना था और सिंगल डोर एंट्री वगैरह रखना था तो वो बिल्डर ने ऑलरेडी उनको करके दिया हुआ था। बट वी हैव प्लान कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने वाले हूँ। हम जो है ये वॉल तोड़ने के बाद जो है यहाँ पे डबल डोर का एंट्रेंस प्लान किया हुआ है मैंने विद द होल पैनलिंग पार्ट। So let me take you in the living area now, ki how things has been planned. So
दिस इज़ अ लिविंग एरिया गाइस। यहाँ पे लिविंग में एक चीज़ का बेनिफिट बहुत अच्छा है कि जब बिल्डर ने इसे पहले से ही प्लान किया हुआ था जोड़ी कॉन्सेप्ट में, तो आप देख सकते हो सामने से यहाँ पे कोई भी बीम और कॉलम नहीं है, तो वो एक अच्छा लुक क्रिएट हो जाता है कि जोड़ी में अगर कोई भी कॉलम और बीम नहीं आ रहा है तो वो लुक में जो है लिविंग काफ़ी ज़्यादा वाइड देता है। एंड हम जो भी चीज़ें प्लान करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली प्लान आउट कर सकते हैं, कोई भी आपको ऑब्स्टिकल नहीं आ रहा है इसके अंदर। सो दिस इज़ अ बेस्ट थिंग अबाउट द लिविंग विच आई रियली लाइक इट अलॉट एंड हाउ दिस इज़ वी हैव प्लान। सो गाइज अभी जैसे हम डोर से अंदर आते हैं तो यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिक पॉइंट्स एंड ऑल दिया हुआ है। सो वेल इसे तो हम शिफ्ट करने वाले हैं बिकॉज आई एम गोना चेंज द फ्लोरिंग एज वेल, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरिंग का कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क है, सो इसे भी हम चेंज करने वाले हैं, तो वी कैन शिफ्ट आवर इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड ऑल वॉट एवर एंड वेर एवर वी वॉन्ट टू। सो ये वॉल भी थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा, डोर जो है वो थोड़ा सा सेंटर में आ जाएगा एंड वी आर गोना प्लान द डबल डोर। सो उसके बाद ये वाला जो एरिया देख रहे हो ये एक्चुअल में एक किचन एरिया है। किचन को यहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं टेम्पल, लो हाइट सिटिंग टेम्पल यहाँ पे प्लान होगा विद द पार्टीशन एंड थोड़ा सा मार्बल फिनिश में यहाँ पे टेम्पल प्लान आउट किया हुआ है क्लाइंट के साथ डिस्कशन होने के बाद। सो ये एरिया हमारा टेम्पल हो गया। टेम्पल के बाद ये वाली जो प्लेन वॉल आ रही है यहाँ पे अगेन हमारा स्टेटमेंट पीस द मुराल आर्ट्स ऑफकोर्स। सो यहाँ पे जो है उनका एक बेसिकली जो वो मानते हैं उनके जो गुरुजी उनके जो भगवान हैं उनका यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा आर्ट पीस आने वाला है विच विल बी अ हैंडमेड। सो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे प्लानिंग कुछ इस तरीके से की हुई है मैंने अभी, बिकॉज यहाँ पे वी आर प्लानिंग फॉर द सेंट्रलाइज एसी बिकॉज ऑफकोर्स द फ्लैट साइज क्वाइट बिग, सो इसे थोड़ा सा इस तरीके में बनाना था हमको। सो यहाँ पे इफ आई एम प्लानिंग अ सेंट्रलाइज एसी सो आई हैव टू बी टेक केयर कि जो भी सीलिंग हाइट है वो उसी जगह पे लो आए जहाँ पे हमारा फैन और लोगों का ज्यादा व्यू नहीं रहे वहाँ पे, बिकॉज ये वाला जो सेक्शन है वो प्रॉपर एक फॉयर एरिया नहीं कह सकते, बट हाँ वी कैन से कि यहाँ पे एक सिंपल सा एरिया क्रिएट हो रहा है विच विल बी हाईलाइट द लिविंग सेक्शन। सो यहाँ पे अभी आई हैव प्लान कि हम उसी तरीके से प्लान आउट करेंगे कि सीलिंग अगर हाइट नीचे भी आ रहा है तो वो डिजाइन के पार्ट से ही अक्यूमुलेट हो जाए। सो दिस इज हाउ दिस एरिया हैज बीन डिसाइडेड। नाउ आई विल टेक यू टू दिस पार्ट ऑफ स्पेस। सो यहाँ पे आई हैव प्लान अ टी वी यूनिट बिकॉज इस तरीके से लिविंग जो है वो ऑलमोस्ट 20 फीट के आसपास है, तो हमें काफ़ी अच्छा स्पेस मिला हुआ है यहाँ पर लो चीज़ों को कम्बाइन करने के लिए। सो यहाँ पर आई हैव प्लान द टी वी यूनिट एंड बीच में आई विल टेक वन पार्टीशन एंड यहाँ पर आई विल प्लान द रेस्ट एरिया एंड देन उसके अकॉर्डिंगली ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आई एम गोना प्लान द डाइनिंग सेक्शन विद द प्रॉपर क्रॉकरी यूनिट एंड यहाँ पर एक 6 सीटर डाइनिंग टेबल प्लान आउट करने वाले हैं बिकॉज यहाँ पर किचन ये साइड है। सो किचन में अभी मैं आपको लेके चलती हूँ कि किचन किस तरीके से है। फिलहाल बिल्डर ने यहाँ पे एल टाइप का किचन दिया हुआ है एंड दे हैड गिवन दिस लॉन्ग वॉल। सो किचन आप देख सकते हो कि बड़ा होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा बड़ा लुक नहीं दे रहा है। सो यहाँ पे मेरी प्लानिंग है ये वाले वॉल को डिमोलिश करने के लिए एंड थोड़ा सा ये वाला वॉल भी डिमोलिश करूँगी सो दैट थोड़ा सा एक वाइडनेस मिल सके किचन को एंड उसके अकॉर्डिंग किचन का थोड़ा सा लुक जो है वो डिफरेंट आ सके। एंड प्लेटफॉर्म तो ओवरऑल हम तोड़ने वाले हैं बिकॉज ऑब्वियसली इसका लुक वैसा नहीं है जैसा आई वॉन्टेड एंड जैसा मुझे एग्जीक्यूट करना है अपने डिजाइनिंग के अंदर। सो ये हो गया लिविंग किचन एंड टेम्पल वाला एरिया। सो गाइज अभी मैं आपको लेके चलती हूँ 3 BHK के वो वाले साइड पे जहाँ पे वी हैव प्लान टू डिफरेंट बेडरूम्स। कम ये पैसेज एरिया है, पैसेज एरिया में ये कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम में भी थोड़ा सा चेंजेस होने वाला है डोर शिफ्टिंग वगैरह करने के बाद एंड ये एक अच्छा सा लॉन्ग पैसेज मिल रहा है तो इसे भी मैं उसी तरीके से हाईलाइट करने वाली हूँ। एंड दिस इज़ द अनदर बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम यू कैन से। सो यहाँ पे भी अगेन कॉन्सेप्ट उसी तरीके से बनाया हुआ है जहाँ पे मतलब दो बेडरूम्स को कंबाइन करके एक सिंगल बेडरूम बनाया हुआ है, बट यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है एज़ पर द क्लाइंट डिस्कशन सो यहाँ पे मैं दो बेडरूम्स करने वाली हूँ। ये वाली सारी चीज़ें जो है वो डिमोलिश हो जाएंगी और यहाँ पे एक हम सन का बेडरूम क्रिएट कर रहे हैं और एक जो सेक्शन है वो मैं क्रिएट करने वाली हूँ एज अ गेस्ट रूम एज अ मेडिटेशन रूम जहाँ पे उनको वॉल माउंटेड बेड क्रिएट करके थोड़ा सा स्टोरेज क्रिएट करके और एक सिंपल सा मेडिटेशन करने के लिए एक फुल लॉन्ग वॉल प्लान आउट किया हुआ है मिरर के साथ हाईलाइट करने के लिए। सो यहाँ का जो वाइब है वो प्रॉपरली डिफरेंट रखने वाली हूँ मैं एंड यहाँ पे एक प्रॉपर सन का रूम आ जाएगा एंड सन का रूम भी हमने कुछ उसी तरीके से प्लान आउट किया हुआ है थोड़ा सा ब्लू एंड वाइट थीम के हिसाब से बिकॉज ऑब्वियसली टीनेज एज है सो बहुत ज़्यादा किडिश भी नहीं रखना है। सो
तो ये सारी चीज़ें टूट जाएगी, टूटने के बाद मैं आपको वापस लेकर आऊँगी दिखाने के लिए। सो यहाँ के बाद तुरंत ही कनेक्टेड जो है एक डिफरेंट बेडरूम आ रहा है। सो ये वाला जो बेडरूम है, ये वाला बेडरूम हमने बेसिकली जो है उनके पेरेंट्स के लिए प्लान आउट किया हुआ है। सो यहाँ पे भी प्रॉपर अच्छा सा एल विंडो मिला हुआ है एंड इसको हम यूटिलाइज़ करने वाले हैं विद द सिटिंग, थोड़ा सा सीनियर सिटीजन है उसके हिसाब से एक रॉकिंग चेयर वगैरह डाल के। एंड यहाँ पे आई हैव प्लान द वार्डरोब एंड बेड विल बी दिस साइड। सो यहाँ का बेड जो है थोड़ा सा कॉर्नर में आने वाला है बिकॉज यहाँ का जो व्यू है एक्चुअली थोड़ा सा जो है वो रेक्टेंगली दिया हुआ है। सो गाइज ऑलवेज आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हो कि आपके जो बेडरूम्स की साइजेस होती है उस पर आप हमेशा एक चीज़ देखो कि अगर वो स्क्वायर है तो आप डिज़ाइन कॉन्सेप्ट भी स्क्वायर वे में प्लान आउट करो, अगर वो रेक्टेंगल है तो मेक इट श्योर कि आप डिज़ाइन जो है थोड़ा सा रेक्टेंगली ही प्लान करें, ना कि उसे स्क्वायर में लेके चले जाए बिकॉज फिर वो एरिया को आप और ज़्यादा कॉम्प्रेस कर देते हो। सो दिस इज़ वॉट वी हैव प्लान योर राइट नाउ। फाइनल व्यू आपको मैं दिखाऊंगी 3D में कैसे होने वाला है। सो ये वाला साइड जो है यहाँ पे आप शो न्यू जो तीन बेडरूम्स डिफरेंट बनने वाले हैं। नाउ आई विल टेक यू to the that part. So this is the another bedroom. फिलहाल मैं आपको ये वाले बेडरूम में लेके जा रही हूँ। सो ये वाला जो बेडरूम है यू कैन सी बेडरूम साइजेस थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है। सो ये बेसिकली एक कपल बेडरूम प्लान होने वाला है एंड यू कैन सी दिस पर्टिकुलर वॉल। सो ये वॉल अब मैं तोड़ने वाली हूँ एंड आई एम गोना प्लान अ वॉकिंग वार्डरोब कॉन्सेप्ट हियर, जहाँ पे थोड़ा सा बेड सेक्शन पूरा यहाँ पे होगा। ये वॉल डिमोलिश होने के बाद ये वाला जो एरिया है, ये वाले एरिया को हम प्लान आउट करने वाले हैं एज अ वॉकिंग वार्डरोब एंड यहाँ पे उनका वॉशरूम आ रहा है। सो ये भी आप इमेजेस देख सकते हो हाउ वी हैव प्लान्ड इट। सो इसके बाद जो नेक्स्ट इनका बेडरूम आ रहा है दैट इज़ दिस वन, जो अगेन कनेक्टेड ही है यहाँ से। सो ये वाला जो बेडरूम है, यहाँ की चीज़ें जो बिल्डर ने प्लान आउट करी थी वो अच्छी है, मतलब यहाँ पे उन्होंने एक वॉकिंग वार्डरोब का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। बट आई एम गोना प्लान कि ये जो वॉल है इट इज़ नॉट अ बीम, नॉर्मल ब्रिक वॉल है, तो ये मैं शायद इसे तोड़ूंगी बिक�ज ये काफ़ी ज़्यादा मोटा है, 7.5 inches का है। सो यहाँ पे हम एक फ्लैश डोर कॉन्सेप्ट प्लान आउट करने वाले सो दैट जो वॉकिंग वार्डरोब वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा हिडन वे में हो जाए, क्योंकि ये उनकी डॉटर के लिए बेडरूम प्लान आउट किया हुआ है हमने। एंड यहाँ पे आई एम प्लानिंग फॉर अ राउंड बेड सो दैट एक डॉटर के लिए एक डिफरेंट सा लुक हो सके बेडरूम का। एंड यहाँ पे थोड़ा सा वो एक गर्ल टच देना चाहती हूँ मैं बिकॉज ऑब्वियसली अ गर्ल एज अराउंड 10-11 के बीच में, तो थोड़ा सा वो टीनेज थोड़ा सा किड्स को मिक्स करके यहाँ पे एक अलग सा कॉन्सेप्ट क्रिएट करने वाली हूँ। एंड यहाँ पे भी सेम चीज़ें वार्डरोब वहाँ पे आने के बाद आई एम गोना प्लान अ बेड हियर एंड प्रॉपरली वॉल के ऊपर जो है मैं प्रॉपर एक स्टडी टेबल प्लान आउट करने वाली हूँ बिकॉज डायरेक्शन वाइज भी ये बहुत अच्छा आ रहा है। सो बेसिकली अगर आप भी किड बेडरूम प्लान आउट कर हो, अगर आपको स्पेस मिलता है तो आप स्टडी टेबल जो है वो नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है फॉर द स्टूडेंट्स एंड ऑल। सो दैट इज़ द स्पेस विच वी हैव गॉटेड वेरी करेक्टली, सो दैट इज़ वन ऑफ प्लान अ स्टडी टेबल जॉब। यहाँ पे भी अगेन एल विंडो मिला हुआ है। अभी यहाँ पे सेफ्टी के लिए ग्रिल लगाई हुई है बट माइट बी लाइक ड्यूरिंग द वॉक ग्रिल जो है वो आई एम गोना प्लान कि हम आउटसाइड से कर सके वंस द सोसाइटी एंड ऑल एवरीथिंग इज गोना बी बिल्ड। सो माइट बी दे कैन टेक दैट चांसेस कि इसे हम शिफ्ट कर सके आउटसाइड। एंड ये वाला जो वॉल है यहाँ पे एक सिंपल सा वॉल माउंटेड टीवी यूनिट रखने वाले हैं, बिल्कुल भी बाहर नहीं लेने वाले बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि वो स्पेस को हम और ज़्यादा छोटा करें चीज़ों को पैनलिंग करके बहुत ज़्यादा बाहर लेके। सो गाइज होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो बेसिकली ये वीडियो दिखाने का मेन मोटिव ये था मेरा सो दैट आप सभी को पता चले कि स्टार्ट टू एंड का प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होता है, क्या इनपुट्स लगते हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। एंड इस प्रोजेक्ट के साथ मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को प्लम्बिंग से लेके डिमोलिशन से लेके सीलिंग से लेके हर A to Z लाइक पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो भी है मैं आपको दिखाऊँ सो दैट अगर आप भी आपका घर प्लान आउट कर रहे इंटीरियर सो यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स जहाँ पे आपको ये हेल्प आउट हो सकता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई वीडियो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर द इंटीरियर एट योर होम सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड यू कैन ऑल्सो DM us ऑन द इंस्टाग्राम टू। एंड अगर आपने हमारे डेली बेसिस पे जो भी अपडेट्स हो रहे हैं वो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो कर सकते हो सो दैट आपको डेली बेसिस पे हमारा क्या अपडेट होता है प्रोजेक्ट्स के अंदर वो सारी चीज़ें आप देख सको। थैंक यू सो मच।